हेलो स्टूडेंट, इट इज़ क्लास सिक्स सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर टू कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के अंग। वी हैव रीड अबाउट कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। टुडे आवर टॉपिक इज minerals. Okay, what are minerals? Minerals are also called protective food. Minerals को खनिज पदार्थों को protective, सुरक्षा देने वाले भोजन भी कहा जाता है. They keep our body healthy and protect us from many infections. ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं और हमें कई प्रकार के इन्फेक्शन से, बीमारियों से बचाते हैं. मिनरल परफॉर्म इम्पोर्टेंट फंक्शंस लाइक फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, टीथ एंड ब्लड सेल्स. ये हमारी हड्डियों को, दांतों को और ब्लड सेल को बनाने में इस्तेमाल होते हैं. आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोरीन, सल्फर, आयोडीन, फॉस्फोरस आर सम एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स. ये अलग अलग मिनरल्स के उदाहरण हैं. मिनरल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वान्टिटी. ये भी बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर में चाहिए, लेकिन इनकी लगातार ज़रूरत हमारे शरीर में बनी रहती है. मिल्क, चीज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फिश, सिट्रस फ्रूट एक्स्ट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स. दूध, चीज़, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, मछली, खट्टे फल, ये सभी मिनरल्स के सोर्स हैं. इसलिए हमें इन चीज़ों का अपने भोजन में थोड़ा थोड़ा प्रयोग करते रहना चाहिए. दीज आर फाइव इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी. ये हमारे शरीर के द्वारा आवश्यक पांच तत्व हैं. दीज न्यूट्रिएंट गिव एनर्जी टू आवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेज. ये हमें एनर्जी भी देती हैं और हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते भी हैं. अपार्ट फ्रॉम दीज न्यूट्रिएंट, द टू वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड आर डाइट्री फाइबर एंड वाटर. इसके साथ ही दो और तत्व हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, रेशेदार भोजन और पानी. बोथ ऑफ दीज थिंग्स कीप अवर बॉडी क्लीन फ्रॉम इनसाइड. ये चीज़ें हमारे शरीर को अंदर से साफ रखती हैं. रफेज एंड डाइट्री फाइबर रेशेदार वस्तुएं. रफेज और डाइट्री फाइबर आर अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ये कार्बोहाइड्रेट का अपचने वाला भाग होता है जो पचता नहीं है. जैसे हम गेहूं का आटा लेते हैं, गेहूं के आटे को रोटी बनाने के लिए ज़्यादा नहीं छानते, हल्का सा छानते हैं, इसमें चोकर का कुछ अंश रहने देते हैं. ये जो चोकर है यही रफेज या डाइट्री फाइबर है. ये रेशा हमारे लिए महत्वपूर्ण है. इट हेल्प्स इन रिटेनिंग वाटर इनसाइड अवर बॉडी. इससे हमारे शरीर में पानी रुका रहता है. डाइट्री फाइबर डू नॉट प्रूव एनी न्यूट्रिएंट टू आवर प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी, yet they form an important part of our diet because they add bulk of to our food on which muscles of our intestines work. ye hamare sharir ko koi poshak tatva nahi dete, tab bhi ye hamare bhojan ka mahatvapurna bhag hai kyunki isse hamare andar sharir ke andar jo hamari aate hoti hain unko एक सहारा मिलता है. इससे उन्हें ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता और हमारा भोजन आसानी से पच जाता है. दस दे हेल्प इन बोल मूवमेंट विच कीप्स आवर डाइजेशन फिट. इससे हमारी पाचन क्रिया सही चलती है और हम सही तरह से पचा सकते हैं. डाइट्री फाइबर ऑफ टू टाइप, सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल. यह दो तरह का होता है, घुलनशील और अघुलनशील. सॉल्यूबल फाइबर हेल्प
इन ब्लड सर्कुलेशन वाइल इनसॉल्युबल फाइबर हेल्प इन बॉल मूवमेंट. घुलनशील ब्लड सर्कुलेशन के लिए काम करता है, जबकि अघुलनशील से हमारे बॉडी के अंदर फूड का मूवमेंट आसानी से होता है. फ्रूट लाइक एप्पल स्ट्रॉबेरी पीच एंड राइस आर सोर्सेज ऑफ सोल्यूबल फाइबर. सेब स्ट्रॉबेरी आड़ू और चावल ये सोल्यूबल फाइबर हैं, जबकि होल ग्रेन साबुत अनाज कैरेट गाजर कैबेज पत्ता गोभी टर्निप शलजम एंड कॉलीफ्लावर फूल गोभी ये इनसोल्यूबल फाइबर हैं. ये भी हमारे लिए जरूरी है, जिससे हमारा शरीर के अंदर पाचन क्रिया सही चलती रहे. वाटर पानी, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू अवर बॉडी बिकॉज अवर बॉडी कैन सर्वाइव विदाउट फूड फॉर सेवरल डेज बट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर इवन फॉर फ्यू डेज. क्योंकि हमारा शरीर बिना भोजन के तो कई दिन तक रह सकता है, लेकिन बिना पानी के लंबे समय तक नहीं रह सकता. वाटर मेक 60-70% टू आवर बॉडी वेट. हमारे शरीर का जो भार होता है, द्रव्यमान होता है, उसका 60-70% पानी होता है. वाटर हेल्प्स इन रेगुलेटिंग आवर बॉडी टेम्परेचर एंड हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट. इससे हमारे शरीर का तापमान स्थिर रहता है और पोषक तत्व भी सोखे जाते हैं शरीर में, वो पानी में ही घुलकर हमारे शरीर में जाते हैं. मैनी वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग इन आवर बॉडी लाइक यूरिया आर थ्रोन आउट विद द हेल्प ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट. हमारे शरीर में यूरिया जैसे खतरनाक पदार्थ बनता है, जो हमारे शरीर में अगर रुक जाए तो बहुत बीमारियां कर देता है. यह भी हमारे शरीर में यूरिन यानी पेशाब और पसीने के रूप में बाहर निकलता है, पानी की सहायता से ही निकलता है. Though we get water from the food and fruit we eat, but as it constantly goes out of the body through sweat and urine, so we need to drink water after certain intervals. यद्यपि हम भोजन और फलों से पर्याप्त पानी प्राप्त कर लेते हैं, तब भी क्योंकि यह हमारे यूरिन में हम और स्वेट में पसीने में निकल जाता है, तो इसलिए हमें पीना पड़ता है पानी. We should drink every day at least 8-10 glass of water. हमें प्रतिदिन 8-10 glass पानी पी लेना चाहिए. यदि हमारी बॉडी में पानी कम हो जाता है तो हम बीमार हो जाते हैं और डिहाइड्रेशन हो जाता है, हम बेहोश होने लगते हैं. ये हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें प्योर वाटर शुद्ध पानी ही पीना चाहिए. मिल्क फ्रूट्स वेजिटेबल जूसेज आर सोर्स ऑफ वाटर. दूध फल सब्जी जूस हमारे ये सोर्स हैं. बट वी शुड हैव अ बैलेंस्ड डाइट. व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट? हमारी जिस भोजन में सब चीज़ें सब भोजन के तत्व सही मात्रा में थोड़े थोड़े कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन विटामिन मिनरल सभी आए, तो उसे बैलेंस्ड डाइट कहते हैं. हमें हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए, किसी चीज को खाने से परहेज नहीं करना चाहिए. फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी फूड आइटम आर डिवाइडेड इंटू 4 ग्रुप्स. ये भोजन के तत्व हैं, 4 भागों में बांटे गए हैं. नंबर 1 मिल्क ग्रुप, दूध वाला भाग, मिल्क कर्ड बटर पनीर घी एक्स्ट्रा, दूध दही मक्खन पनीर घी आदि. प्रोटीन ग्रुप, प्रोटीन देने वाला पल्सेस दालें सोयाबीन मेवे अखरोट बादाम काजू सीड्स बीज वाले एग्स अंडे मांस मछली आदि. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रुप, फल और सब्जियां विभिन्न प्रकार के मौसम के फल और सब्जियां सभी हमें खाने चाहिए. होल ग्रेन ग्रुप, पूरे अनाज साबुत अनाज वाले गेहूं चावल मक्का आदि. इसलिए सभी ग्रुप से चारों ही ग्रुप से हमारे भोजन में पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए. सो स्टूडेंट रीड दिस चैप्टर केयरफुली एंड डू योर वर्क. अपना वर्क करते रहिए, चैप्टर अपना लर्न करिए पढ़िए. टेक केयर ऑफ योर स्टडीज.
थैंक यू, हैव ए नाइस डे।